हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे कि एक ब्लॉग कैसे बनाया जाए, अच्छा सा ब्लॉग। और हम यूज़ करेंगे एक अपना खुद का डोमेन यूज़ करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम स्टार्ट से हम कैसे एक ब्लॉग तैयार किया जाए जो एकदम वेबसाइट के जैसा हो या फिर बहुत इंटरैक्टिव हो। और आपको बता दूँ कि गूगल एडसेंस, अगर आपको पैसा कमाना है ब्लॉगिंग के ज़रिए, तो ये बहुत ज़रूरी है गूगल एडसेंस होना, अप्रूव होना। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे एफिलेटेड मार्केटिंग, शायद आपने सुना होगा, उसके ज़रिए भी आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं अगर आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो गूगल एडसेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, आपका साइट में जो भी डेटा है वो कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो। हालांकि जो न्यूज़ आप लिख रहे हैं या फिर कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने तरीके से उसे लिखिए तो वो कॉपी के अंदर नहीं आता है। अब कोई भी वर्ड हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर आप खुद के वर्ड्स में लिखते हैं तो वो कॉपी के अंदर नहीं आता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, कहीं से कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, आप अगर ब्लॉगिंग चालू किया है तो आपने सुना होगा कि blogspot.com, wordpress.com या फिर ऐसा कुछ डोमेन में अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी एडसेंस अप्रूवल मिलना नामुमकिन है। आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के लिए खुद का डोमेन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है पेजेस, जी हाँ, नंबर ऑफ कंटेंट्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने दो या तीन पोस्ट किए और एडसेंस के लिए अप्रूवल मांग लिया तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट होगा। एटलीस्ट 10 to 15 पोस्ट ज़रूरी है और दो तीन पेजेस होना भी ज़रूरी है अलग अलग, जैसे पॉलिसी हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हो गया, अबाउट मी पेज हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज हो गया, इस तरह से आप पेजेस होना ज़रूरी है। तो ये तीन पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको बताया, पहला पॉइंट ओरिजिनल कंटेंट, दूसरा पॉइंट खुद का डोमेन होना ज़रूरी है, और तीसरा पॉइंट हो गया पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो ज़रूरी है, पॉलिसी पेजेस और नंबर ऑफ कंटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे पूरा बेसिक तरीके से ब्लॉग चालू किया जाए। और अगर आप और जानकारी चाहते हैं एडसेंस कैसे अप्रूवल मिले या फिर एफिलेटेड मार्केटिंग, अमेज़ॉन के एफिलेटेड मार्केटिंग कैसे यूज़ किया जाए, अगर आप चाहते हैं तो मैं जल्द ही वो वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो की लिंक मैं पोस्ट ज़रूर कर दूंगा। वर्डप्रेस में अगर आप खुद का डोमेन यूज़ करके ब्लॉग बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग होस्टिंग भी करना होगा, जो होस्टिंग जो होता है वो लगभग ऑलमोस्ट 1200-1300 पर ईयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा महंगा होता है होस्टिंग। जो आपको गूगल ब्लॉगर में होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है। सिर्फ आपको डोमेन ख़रीदना होगा अगर आप आगे जाके इससे मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं। और थोड़ा सा वर्डप्रेस से ये पीछे ज़रूर है कई मामलों में, मगर एक स्टार्टअप के लिए बेहतरीन है। कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है ब्लॉगिंग तो उसके लिए बेहतरीन स्टेप है। अब कम से कम यहाँ पर आपको सिर्फ डोमेन का पैसा लगेगा, जो कि आपको कुछ जगह फ्री में भी मिल जाएगा। फ्री नॉम करके एक है साइट जहाँ से आपको फ्री में डोमेन भी मिल जाएगा और होस्टिंग फ्री में, तो ऑलमोस्ट आपको कुछ नहीं लगेगा और वो मोनेटाइज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का डोमेन है तो आप उसको मोनेटाइज ज़रूर कर सकते हैं। गूगल अप्रूव भी करता है वैसे साइट्स को। मैंने भी एक ब्लॉग बनाया था, उसको अप्रूवल मिल गया, वो भी एक फ्री डोमेन ही था। तो अब डोमेन क्या होता है शायद आपको पता हो या ना हो, तो डोमेन एक तरह का आप बोल सकते हैं google.com, google.in यानी इंडिया, जैसे .com हो गया तो वो इंटरनेशनल हो गया, .uk यानी यूनाइटेड किंगडम, तो ये होता है एक्सटेंशन। गूगल नाम हो गया फिर www.google.com, तो ये फुल हो गए डोमेन के। तो अगर आप पूरा डोमेन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और उसको लिंक में ज़रूर डालूंगा, तो आप उसे देखना ना भूलें।
तो ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग एक तरह का इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। तो अगर आप मोनेटाइजेशन आगे करना चाहते हैं तो आप याद रखिए आपको खुद के वर्ड्स में लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि उसने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है, एक और दूसरे पर्सन ने लिखा है, मैं उसका सेम कॉपी कर रहा हूँ। आप आपके खुद के वर्ड्स में लिखेंगे तो कॉपी में नहीं आता है। कुछ न्यूज़ होते हैं जो आपको देखेंगे सेम न्यूज़ सभी जगह लगा हुआ है, लेकिन वो सेम न्यूज़ है, सोर्स हालांकि सेम ही रहेगा, सेम ही रहता है, लेकिन तरीका बोलने का सबका अलग होगा। तो वही ब्लॉगिंग में भी हो गया। अगर आप कहीं से कॉपी करते तो प्लेगराइज्ड हो जाएगा, प्लेगरिज्म हो जाएगा, तो आपको चांसेस ना के बराबर है कि गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देगा। तो इसी तरह आप कुछ पॉइंट्स को याद रखिए कि कभी किसी से कॉपी तो नहीं करना है, खुद का साइट बनाइए, पूरा नए तरीके से बनाइए। और आज हम देखेंगे कि सबसे सस्ता तरीका क्या है एक साइट बनाने का। आप इस गूगल ब्लॉगर की मदद से एक साइट के जैसा भी एक बना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छा रहता है। और आपको अगर XML या फिर HTML का नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छा एक ब्लॉगिंग बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख पाते हैं तो ये बहुत ही आसान होगा, कोई मुझे नहीं लगता कुछ और देखने की जरूरत है, ये काफ़ी होगा आपके लिए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लॉगर में कैसे जाया जाए। तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रावर मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक कीजिए तो नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, वहाँ पर आपको ब्लॉगर मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो फैमिलियर नहीं है अगर इससे, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप सीधा ब्लॉगर सर्च कीजिए गूगल में और जो पहला लिंक मिलता है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉगर है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, चूज द परफेक्ट डिज़ाइन, डोमेन जो आपको फ्री में मिल जाएगा, और अर्न मनी। यस, आप इससे मनी भी, आप इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, मगर बहुत पेशेंस रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ऑडियंस आप जान सकते कि ब्लॉग कहाँ तक फैला है, तो आप एक तरह से बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग बना सकते हैं। किसी एक डायनामिक वेबसाइट के स्टैंडर्ड का भी आप बना सकते हैं। तो आपको क्लिक करना होगा, गूगल अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे नाम, ब्लॉगर का नाम। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी प्लस में लिख देता हूँ। तो चलिए यहाँ से क्रिएट कर दिया हमने। तो आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉगर का नाम टेक्नोलॉजी प्लस, और साइड में आपको दिख रहा है कि ब्लॉगर का नाम क्या है, माई न्यू वर्ल्ड। आप इसे चेंज कर सकते हैं, हम आगे करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर अर्निंग्स, आप लिखा लो यहाँ पर लिखा हुआ है योर ब्लॉग डजंट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस, सो आप फ्यूचर में कर सकते हैं। तो अभी स्टैक्स में हम देखेंगे यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने कुछ अपलोड किया नहीं तो कोई चांसेस ही नहीं है। पोस्ट ब्लैंक है, थीम आपको अभी सेटिंग्स में आपको दिखा देते हैं कि इनका, तो ये मेरा नाम है अभी ब्लॉग का, माई वर्ल्ड 770.blogspot.com। तो ये मेरा जो है गूगल की तरफ से, हम इसको हम खुद का डोमेन भी करेंगे, खुद के डोमेन में कन्वर्ट करेंगे आगे, हम वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर टाइटल ये है माई न्यू वर्ल्ड, और हालांकि ये सेटिंग्स बहुत बेसिक है, आसान है। तो अभी हम चलते हैं थीम्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थीम जो है ये कॉमन सा थीम है, बेसिक थीम है, और आपको पता था कि बेसिक थीम के ऊपर आप एडसेंस अप्रूवल नहीं ले सकते। तो आपको कोई डायनेमिक या फिर इसमें भी कई बार चांसेस बहुत कम है, तो आप अपना पर्सनल या फिर थर्ड पार्टी टेम्पलेट लेना अच्छा रहेगा, ब्लॉगर टेम्पलेट। तो यहाँ पर एक कॉमन है, एक सादा सा सेटअप है, तो हम अभी यहाँ पर कुछ एक अप्लाई करता हूँ, मैं अप्लाई करेंगे। तो पहले हम पब्लिश करना सही रहेगा, तो हम पहले जाते हैं यहाँ पर। चलिए अब मैं फिर पुराने ब्लॉग में जाता हूँ जहाँ पर अर्निंग्स के इसमें फील्ड में जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे आ गया है, सीधा मुझे अब सिर्फ साइन अप करना है, उसके बाद अप्रूवल के लिए ये जाएगा लेटर। सो नए नए ब्लॉग में ये नहीं आता है ऑप्शन,
पुराने ब्लॉग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो कुछ टाइम पीरियड रहता है जो चेंज होते रहता है, पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो अभी फिलहाल पॉलिसी 6 महीने की है और जो पहले ज़्यादा थी। तो ये मेरा पुराना एक और ब्लॉग है, वहाँ पर देखिए आप इस तरह का सिंपल सा ब्लॉग बना सकते हो। और ऊपर आप देख रहे हैं कि डोमेन जो है वो मैंने पर्सनल जो खुद का एक डोमेन डाला हुआ है ऊपर। यहाँ पर अर्निंग्स देखेंगे तो ये क्वालिफाइड है। तो क्वालिफाई होने के बाद आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। और जी हाँ, तो व्यू करूँ, व्यू किया तो आपको डायनेमिक, यहाँ पर थोड़ा डायनेमिक सा बनाया हुआ है। तो ऐसा सादा सा एक वेबसाइट टाइप आप ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा, कुछ अच्छा सा मेन्यू ऑप्शंस भी मिल जाएगा। तो ये हर टेम्पलेट में अलग अलग होता है, आप कौन सा टेम्पलेट चूज़ करते हैं उसके ऊपर भी है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर लिंक भी डाल दिया हूँ, अगर YouTube पे मैं क्लिक करता हूँ तो YouTube एक खुल जाता है। और YouTube पर भी मैंने क्लिक लगा के रखा हुआ है, आप YouTube पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली साइट ओपन हो जाता है। तो आप इस तरह से लिंकिंग कर सकते हैं YouTube, Instagram, Facebook, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर स्टैट्स में देखूँ तो यहाँ पर मुझे डेटा मिल जाएगा स्टैट्स में, जैसे कहाँ कहाँ कौन से रीज़न में देखा गया है, कब देखा गया है। तो आप ऑडियंस भी देख सकते हैं यहाँ पर कौन से एरिया में आपका जो देखा, आप पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं कि कितने लोगों ने पेज व्यू किया है, कौन से कंट्री से किया हुआ है। ऊपर जाके आप स्टैक्स चेंज कर सकते हैं ऑल टाइम डे और नाउ का। तो अब सेटिंग्स पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको बेसिक्स में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरा एक पर्सनल डोमेन है जो नाम डाला हुआ है पर्सनल डोमेन। और देखिए तो ये पर्सनल डोमेन, और ये हुआ अगर मैं ब्लॉगस्पॉट डालता हूँ तो ये देखिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको सेटिंग करना होता है, तो आज हम ये भी देखेंगे कैसे सेटिंग किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप कुछ पेजेस भी बनाने होते हैं पॉलिसी के ऊपर, आपके साइट के पॉलिसी के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट भी देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मोनेटाइजेशन करें तो ये दो पेजेस होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट और पॉलिसी। और एक पेजेस पेज भी आप डाल ऐड कर सकते हैं अबाउट मी, जो एक अच्छा, अगर ये पेज आपके पास नहीं है तो गूगल एडसेंस जो है अप्रूवल नहीं देगा। तो ये ज़रूरी है स्टेप आपके लिए करना। तो कांटेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कांटेक्ट ईमेल, कांटेक्ट नहीं भैया ईमेल, तो चलिए अभी हम अपना एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल है सिंपल, एक साइड में एक टाइटल दूंगा और साइड में आप देख रहे हैं लेबल। लेबल एक टैग की तरफ काम करता है जो कि मेटा डेटा होता है, जब गूगल में कोई सर्च करता है तो ये लेबल्स ही काम आएगा। देखिए तो हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर दिया है सिंपल सा एक HTTP कैसे फॉर्मेट किया जाए। अगर हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं HTML पे, तो आप HTML, अगर आप बहुत फेमिलियर हैं HTML के साथ तो आप HTML में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही एडिटिंग का चांस देगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप HTML से नहीं जानते इतना तो HTML यूज़ करना सही है।
तो मैं पहले सबसे पहले यहाँ पर H3 करूँगा, हेडिंग 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि चेंज हो गया है। तो ऐसे ही आप थोड़े बहुत चेंजेस करके आप चेंज बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। चूज इमेज भी कर सकते हैं, कोई भी इमेज के जो भी है, जस्ट फ़ोन से या फिर नेट से या फिर कोई यूआरएल से आप कहीं से भी इमेज डाल सकते हैं। तो ये इजी है ब्लॉगिंग का। वीडियो आपको डालना है तो ये वीडियो आप यूट्यूब की मदद से डाल सकते हैं, और या फिर एडिटिंग आसान है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक पहला ब्लॉग अपना, जिसमें एक सिंपल सा डिस्क को कैसे फॉर्मेट किया जाए, हार्ड ड्राइव को कैसे फॉर्मेट किया जाए वो देखेंगे। उसके बारे में हम पोस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टैग भी दे रहा हूँ, मैं कुछ टैग्स भी देना ज़रूरी है तो मैं टैग्स दे रहा हूँ साइड में। यहाँ पर परमा लिंक होता है जो कि आपका एक कस्टम लिंक टाइप हो गया, जो ऑटोमेटिक लिंक है, तो आप कोई चेंज कर सकते हैं। जितना बड़ा सा है उसको आप एडिट करके सिंपल सा एक वर्ड करेंगे तो छोटा सा एक साइट बन जाएगा, जो इतना बड़ा नहीं आएगा होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मेट HDD लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत छोटा सा एक साइट का नाम हो गया, फुल जो लिंक है इसका ये पोस्ट का वो छोटा हो गया। तो यहाँ पर लेबल तैयार है। तो ये पूरा जितना आपको साइड में दिख रहा है, साइड में जो भी ऑप्शन दिख रहा है, ये मेटा डेटा के लिए यूज होता है, खासकर लेबल्स जो यहाँ पर। तो अभी हम इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा देंगे इमेज कैसे ऐड किया जाता है। तो हमने एक इमेज ऐड कर लिया है। सो इसी तरह आप, और यहाँ पर आपको एक ही बात याद रखना है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको इसका नाम चेंज करना होगा। तो ये एक्चुअली गूगल के आपको सर्च इंजन में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाम ना दें तो शायद सर्च इंजन माना मुश्किल हो। जैसे आप गूगल इमेजेस में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ इमेजेस आते हैं, वो सिर्फ इसी बेसिस के रैंकिंग पर आते हैं कि इमेज का नाम क्या है। तो मैं थोड़ा स्किप करूँगा, अभी स्पीड बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पर ब्लॉग बनाऊँगा मैं अभी। पब्लिश कर दिया। तो मैं अगर व्यू करूँ तो मुझे दिखेगा कि ब्लॉग एक्चुअली कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गूगल का ही blogspot.com आ रहा है, जो कि मुझे एक खुद का डोमेन करना होगा अगर मोनेटाइजेशन अप्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक ब्लॉग बन चुका है, बहुत ही सिंपल, एक साधारण सा। अगर आप इसके लिए, अगर आप इसमें ही अप्रूवल मांगेंगे गूगल एडसेंस से, शायद अप्रूवल ना मिले, मुश्किल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा मेन्यू बार भी है, आप चेंज कर सकते हैं स्टाइल किस तरह का देखा जाए। तो एक सिंपल सा ब्लॉग है, सिंपल सा टेम्पलेट है गूगल ब्लॉगर का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम लोग टाइटल अपना जो है ब्लॉग का, माई वर्ल्ड के जगह मैं टेक्नोलॉजी प्लस लिख देता हूँ। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी प्लस, और ब्लॉग का एड्रेस जो है यही है। ब्लॉगिंग एज टेक्नोलॉजी प्लस, सो यहाँ पर कोई और ब्लॉग नहीं है। और यहाँ यस, पेजेस में आपको एक पेज क्रिएट करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक देख रहे हैं ऊपर आइकॉन भी खुद का है। तो अभी हम सर्च करेंगे ब्लॉगर
टेम्पलेट, तो आप कुछ भी टर्म सर्च कर सकते हैं, बेस्ट ब्लॉगर या फिर ब्लॉगर टेम्पलेट, और आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही फर्स्ट या सेकंड लिंक में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक वेबसाइट खोल रखा है, तो यहाँ खुला हुआ है। जो आपको पसंद आ रहा है सेलेक्ट कीजिए और उसी को डाउनलोड करें। तो देखिए डाउनलोड शुरू हो गया है, अब मैं इसको ओपन करूँगा डाउनलोड होते ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत कुछ, बहुत सारे फाइल हैं, मगर हमारे काम का फाइल सिर्फ XML फाइल होगा। तो कुछ ब्लॉगर्स अच्छे होते हैं तो यहाँ पर वो डिटेल्स भी देते हैं कि कैसे इंस्टॉल किया जाए, कहाँ पर क्या क्या चेंजेस करना है और नहीं करना है, क्या करना है। तो मैं डेस्कटॉप में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट होने के बाद आपको याद रखना है आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं कि बैकअप और ये रिस्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और चूज फाइल में जाइए नीचे। और मैंने डेस्कटॉप में सेव करके रखा था, तो इसको मैं अप्लाई करूँगा। यह है फाइल, और जस्ट अपलोड पे क्लिक किया। तो कई बार आपको एरर मिल सकता है, तो हम डिफरेंट फाइल अब डाउनलोड करेंगे। तो मैंने एक और एक फाइल डाउनलोड किया है, एक और एक दूसरा टेम्पलेट डाउनलोड किया है, और इसको भी एक डेस्कटॉप में मैंने पेस्ट किया। और अब मैं यहाँ पर जाके वापस बैकअप एंड रिस्टोर में क्लिक करता हूँ। तो अभी दूसरा टेम्पलेट आ गया, हाँ ये है। तो ये देखिए ये रिफ्रेश हो चुका है, तो ये नया टेम्पलेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ठीक ठाक सा टेम्पलेट है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए चेंज हो गया है, यहाँ का जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अभी भी बहुत कुछ सेटिंग आप कर सकते हैं, होम में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इमेजेस भी है स्लाइड का। हालांकि ये इमेजेस दूसरे साइट से है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, बहुत तरीका है शायद। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो लेआउट है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो अगर आपको अच्छा ऑर्गेनाइज्ड टेम्पलेट मिलता है तो उसी को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सिंपल सा आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, गैजेट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक देखते हैं क्या, तो मैं एक सिंपल सा एक लोगो ऐड करूँगा जो आपको दिखेगा चेंजेस। तो हमने यहाँ पर एक गैजेट ऐड करेंगे जिसका लोगो होगा, तो आप ये चेंजेस को आसानी से देख पाएंगे। तो ये मैंने सेव किया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, आप देखें कुछ नहीं है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक गैजेट आना चाहिए, तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आपको एक दिख रहा है लोगो मिल गया। इसी तरह आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो ये लेआउट मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया जो, हाँ देखिए अब यहाँ पर एक इमेज है और ये लिखा हुआ है द डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फीचर स्लाइड वन टाइटल। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि इमेज कैसे पता चले, यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मिला तो अच्छी बात है, टेम्पलेट में मिला मुझे तो अच्छी बात है। तो ये मेन्यू का एडिट ऑप्शन है, तो ये मेरा टाइटल है, और ये भी एक टाइट छोटा सा लगता है ब्लॉग का है, ये भी एक लिस्ट तैयार करने का है, पेज लिस्ट। सो इसको मैं अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। फीचर पोस्ट यानी जो आपका पोस्ट होता है वो कैसा दिखना चाहिए, हालांकि अभी मुझे थीम्स में जाना होगा। यहाँ पर एडिट इन HTML में क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक कोड मिल जाएगा आपको, तो आपको ये सर्च करना है वो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फीचर स्लाइड वन। आप यहाँ पर टाइप कीजिए Ctrl+F सर्च, तो देखिए मुझे मिल गया स्लाइडर एडिट हियर, लिखा भी हुआ है टाइटल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुझे ये इमेज जो है चेंज करना है, तो मैं ये इमेज कॉपी करूँगा और पहले चेक करते कि इमेज है क्या एक्चुअली।
देखिए ये वही इमेज है जो मुझे अब चेंज करना है, तो और मैं उसके बदले ये इमेज चाहता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए नया इमेज। तो ये इमेज मैंने सेव कर लिया है, नया इमेज है जो मैंने अब एक दूसरे साइट से लिया है, और बस इसे सेव कर दीजिए। सेव हो गया है, तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो इमेज चेंज हो जाएगा। देखिए ये इमेज चेंज हो गया है। तो आप इसी तरह बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी आपको टाइटल मिल रहा है तो आप सिर्फ उसके हेडिंग को सर्च कीजिए और HTML एडिट में आप उसको सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा वो चीज़ कहाँ पर है। और यहाँ पर सीधा लिखा भी हुआ है स्लाइडर एडिट हियर, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जो डेवलपर होते हैं इसके या फिर जो क्रिएटर होते हैं इस टेम्पलेट के, वो आपको बहुत सारे चीज़ें दे देंगे। साइड में फाइल भी होगा रीड मी, या फिर कुछ आपको साइट में मिल जाएगा, बट एक्सप्लेन किया होगा कि कहाँ पर क्या एडिट करना है, कैसे एडिट करना है, ईच एवरी एलिमेंट आपको मिल जाएगा एडिट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि किसने क्रिएट किया है, क्रिएटर्स ऑफ कौन है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ टेम्पलेट्स आपको ब्लॉक कर देंगे, कुछ टेम्पलेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ब्लॉक टेम्पलेट भी आपको मिल सकता है कम दाम में, तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डेमो वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे प्राइवेसी का पेज कैसे क्रिएट किया जाए। पॉलिसी का, प्राइवेसी पॉलिसी का आपको एक पेज बनाना ज़रूरी है। तो आप सिंपल गूगल में आप ये सर्च कीजिए क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आप सीधा ये वर्ड सर्च कीजिएगा तो आपको पहले दो लिंक में ही मिल जाएगा। आप उसमें से कोई भी लिंक चूज़ कीजिए और उसके बाद आगे आपको मिल जाएगा। सिंपल स्टेप्स होगा, आपको नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है और आपका वेबसाइट का नाम क्या है, और उसमें सिंपली आप क्रिएट कीजिए तो क्रिएट हो जाएगा पेज। वहाँ से सिंपली कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप HTML में जाके पूरा पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी पेज तैयार हो जाएगा। तो अभी हम दिखाएंगे कि आपका आइकॉन जो है वो कैसे चेंज किया जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरे पुराने, ये पुराना एक्चुअली मेरा एक, मैं आपको अपना पुराना ये दिखाता हूँ टेम्पलेट की कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टेम्पलेट मैं अपने नए ब्लॉग में यूज़ करूँ, तो मैं इसको यहाँ पर बैकअप कर दूँगा, डाउनलोड करूँगा। तो देखिए ये टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अपने टेम्पलेट में जाके वापस बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने फाइल को चूज़ करूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। तो ये मेरे पुराने ब्लॉगर का फाइल और अपलोड, और ये देखिए ये चेंज हो गया है मेरे पुराने टेम्पलेट केस में। तो यहाँ पर भी आपको बहुत चेंजेस करने होंगे, बहुत मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, जैसे भी यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर मेन्यू ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो इसके होम पेज में जाएगा जो कि है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये सब मेन्यू आपको थोड़ा सा एडिट करना होगा, ये आपको थोड़ा ही एडिट करना होगा क्योंकि हर टेम्पलेट एक अलग होता है। तो यहाँ पर जाके आप देखिए फ़ोन मेरा क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पुराना ब्लॉग खुला क्योंकि मैंने वैसा लिंक डाला हुआ है। तो मैं पुराने ब्लॉगर यहाँ पर जाता हूँ, फिर वापस हम जाएंगे लेआउट में। देखिए ये लेआउट कितना ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है पहले के मुकाबले। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर नो पोस्ट फाउंड लेवल टेक, तो ये क्या हुआ एक्चुअली। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नो पोस्ट मैचिंग टैग साइंस, तो जो टैग हम क्रिएट करते हैं मेटा डेटा के समय उसके हिसाब से ये टेम्पलेट बना हुआ है। तो आप सीधा टेम्पलेट में चाहिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये क्या है एक्चुअली। तो टेम्पलेट एक्चुअली कर क्या रहा है, तो इसने क्या किया, ये वेबसाइट से ये सर्च करो जिस लेबल का नाम गैजेट हो। तो जैसे हमने ऐड किया था टैग, आपको याद होगा, तो टैग में अगर मैंने गैजेट ऐड किया है तो गैजेट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेन टाइटल में जिसका भी नाम गैजेट होगा
वॉइस में आ जाएगा। तो इसी तरह आप एडिट कर सकते हैं। टॉप नेविगेशन में आपको दिखा देता हूँ, एडिट होम, होम होम के लिए स्लाइड करना पड़ता है, मैंने यूट्यूब प्राइवेस पॉलिसी पेज जो हमने क्रिएट किया था वो पेज यहाँ पर पेस्ट करना होता है। सिमिलरली यूट्यूब का लिंक अगर आपका है तो यूट्यूब का आप डाल दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी नया लिंक कैसे ऐड किया जाएगा। तो अभी जो होम में जाएंगे तो ये लिंक है, ये लिंक मैं डालना चाहता हूँ अपने नए ब्लॉग में, पुराने ब्लॉग का नाम डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगा और नाम डालूँगा सिंपली साइंस, ऐड लिंक, और बस तो ऐड हो चुका है। और अगर मैं सेव कर दूँ तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो एक वर्ड ऐड हो जाएगा होम के पास में। तो ये देखिए साइंस हो गया ऐड। अगर मैं साइंस पर क्लिक करूँ तो यस मेरा पुराना ब्लॉग ओपन हो गया। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत सारे लिंक डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं जो आपको आपके इसमें मिल जाएगा ब्लॉगर के इसमें एडिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज चूज़ करता हूँ जो कि टाइटल है, आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं अपने मन से। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक बॉक्स चूज़ करता हूँ, तो ये टाइटल है। मैंने आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, आप सिंपल वर्ड्स रख सकते हैं या फिर इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये साइट नहीं, सॉरी, ये हमारा साइट है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, अगर होम में जाऊँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक हेडिंग क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये बॉक्स आ गया। तो इसी तरह आप बहुत कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और अच्छा साइट बना सकते हैं। ब्लॉग हेडर भी आप चेंज कर सकते हैं, वही जो हमने भी बॉक्स लाया था, यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है। तो ये हम मेन्यू का देखेंगे कि आपसे मेन्यू कैसे चेंज किया जाए। तो ये है वो जिसके सॉरी हाँ ये है मेन्यू जो है। तो हर मेन्यू का लॉजिक अलग होता है, वो टेम्पलेट में आपको एक्सप्लेन किया होगा। तो इसका लॉजिक ये है, हर लॉजिक अलग होता है। जैसे यहाँ पर डैश डैश स्मार्ट टेक है और डैश न्यू टेक है, और सिंपल वर्ड लिखा तो वो शायद मेन्यू किस में आएगा, और डबल डैश करके आपने लिखा तो न्यू टेक, ट्रिपल डैश करके लिखा तो उसके अंदर का सब डिवीजन, सब फोल्डर बनते जाएगा। जैसे फ़ोन सबसे ऊपर होगा तो न्यू टेक नीचे होगा, इसी तरह आप अभी मैं मेन हेडिंग में आपको दिखाऊंगा कैसे मैं पॉलिसी का पेज ऐड करता हूं। तो यहां पर मुझे सिंपल जो पॉलिसी का पेज है उसका कॉपी पेस्ट कर दिया है जो लिंक है, और सिंपल पॉलिसी लिख देता हूं हेडिंग, और ऐड अ लिंक। तो यहां पर आप देखिए अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ऊपर आप देखेंगे पॉलिसी का एक लिंक आ गया है, पॉलिसी का टैब आ गया है। अब यहाँ पर एक डोमेन आप देख रहे हैं कि ये माय ब्लॉग जो एड्रेस है मैं खुद का करना चाहता हूँ, चेंज करेंगे वे हम। तो यहाँ पर मैंने होस्टिंगर में एक्चुअली मैंने अपना डोमेन बाय किया था बहुत ही सस्ता, ऑलमोस्ट अराउंड 50 rupees ओनली, जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो यहाँ पर आप जाकर सीधा DNS में जाइए। आप DNS में आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ए होस्ट और सी नेम का ज़रूरत होगा बस, और किसी चीज़ का नहीं। आप यहाँ पर क्लिक कर अब जहाँ पर जो हेल्प पेजेस दिख रहा है वो सभी पेजेस आप खोल सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो। और जो मेरा साइट है यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या है, साइंस प्लस टेक है। तो यहाँ पर साइंस प्लस डॉट टेक, तो मैं अगर सेव पे क्लिक करूँगा तो ओके हाँ, www डॉट आपको लिखना पड़ता है, तो www
मैंने ख़रीदा, हालांकि साइंस प्लस टेक है, मगर आपको www ऐड करना होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, ये आपको ज़रूरी है। एक जगह नेम है और एक जगह डेस्टिनेशन है, तो आपको नेम www कॉपी करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको सी नेम के अंदर www कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन जो है साइड में दिया हुआ है उसी को एज इट इज पेस्ट कर देना है। और हम वापस एक ऐड करेंगे, यहाँ पर नीचे एक और एक कोड है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद साइड में आपको दिया हुआ है, तो एक तरह से होस्टिंग टाइप हो गया अगर आपने, तो ये हो गया। और आपको इश्यूज हो रहा है तो आप और आगे स्टेप्स, गूगल आपको ज़रूर हेल्प करेगा आगे आप जैसे जाएंगे। और यहाँ पर अभी हेल्प पेज खुला, तो वहाँ पर नीचे आपको दिया है कि 4A रिकॉर्ड आपको ऐड करना ज़रूरी है ताकि वो फास्ट ये हो पाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो साइट के नाम जैसे जैसे दिए उसको पेस्ट करते जाना है एक के बाद एक। आप सेव करोगे तो कभी कभी टाइम लगता है और कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है साइंस प्लस टेक। तो ये हो गया है, यहाँ पर भी चेक हो रहा है कि अवेलेबल है या नहीं https। तो अभी हम देखेंगे कि इसका आइकॉन कैसे चेंज किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है ये स्क्वायर इमेज होना ज़रूरी है, तो मैं इसको फटाफट एडिट कर देता हूँ, उसको स्क्वायर इमेज बना देता हूँ। तो ये तो हमारे वेबसाइट का आइकॉन चेंज हो गया है। तो ऊपर आप देख रहे हैं, देखिए आइकॉन जो है वो चेंज हो गया। तो ये है, मैं आपको बताता हूँ फ्री नोम क्या है। फ्री नोम की मदद से आप फ्री में डोमेन पा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कीजिए, डोमेन बनाइए। अभी मैं यहाँ पर सिंपल एक वर्ड सर्च करता हूँ, सर्च की तो यहाँ पर देखिए मुझे मिल गया .tk, नॉट अवेलेबल, किसी ने ले लिया है। ये थोड़ा पता नहीं क्यों स्पेशल रखा इसको, हालांकि आपको नीचे फ्री में मिल जाएगा, ये फ्री में अवेलेबल है। तो इसको गो कार्ट कीजिए, आप चेकआउट कीजिए, आपके सिर्फ आपको ईमेल की ज़रूरत है। आप ईमेल में जैसे ही लॉगिन करेंगे वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल कि आपका गूगल एडसेंस प्रूव होता है तो आपको कैसा मेल आता है। हालांकि आपको बहुत एक या दो बार शायद आपको रिजेक्ट मेल भी आ सकता है, निराश मत होइएगा, बस एक और बार थोड़े चेंजेस करके वापस आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल आ ही जाएगा। तो अप्रूव होने का टाइम कुछ फिक्स नहीं है, कभी 5 दिन भी लगता है, कभी 3 दिन भी लगता है, कभी 1 महीना तक भी लग सकता है। और आप गूगल को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कीजिए ना कीजिए, दे वॉन्ट रिप्लाई, इवन वो रिप्लाई नहीं देंगे अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो। अमेज़ॉन एफिलेटेड मार्केटिंग आपने सुना होगा, इसकी मदद से आप अपने साइट पे पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा वीडियो, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए थैंक यू। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। और आपको अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो और आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन बहुत अच्छा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।